दरी भाजपाइयों ने किसानों के मुद्दों को लेकर करमा चौक में धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद भाजपाइयों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट घेराव करने पहुंचे। वहीं पुलिस ने भाजपाइयों को रोकने कलेक्ट्रेट में दो जगह बैरिकेटिंग की। दोनों बैरिकेट को तोड़कर भाजपाई कलेक्ट्रेट के मेन गेट के अंदर तक पहुंच गए और जिन्हें पुलिस ने रोक दिया। इस प्रदर्शन में क्रुद्ध विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर सहित बड़ी संख्या में भाजपाई उपस्थित थे। भाजपाइयों का आरोप है कि छत्तीसगढ़ सरकार वर्मी कंपोस्ट के नाम पर अमानक खाद को किसानों को जबरदस्ती थमा रही है, जिससे किसानों को अतिरिक्त भार उठाना पड़ रहा है। बताया गया कि वर्मी खाद के नाम से किसानों को लूटा जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि में बहुत सारी त्रुटिपूर्ण करके ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनको सम्मान राशि जो है वो उनके खाते में समायोजित नहीं हो रही है। वो जो त्रुटिपूर्ण कार्रवाई की गई है उसमें जो भी अवरोध है उसको दूर करके उनके खाते में उसको समायोजित करना चाहिए। ये प्रमुख रूप से आज हमारी मांग है जो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा और हमारे सभी साथियों के द्वारा आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन करके यहाँ पे कलेक्टर का घेराव किया गया है हो रही है, जिससे किसान हताहत है, परेशान है और सरकार रोज झूठ बोलने का नया काम करती है किसानों के साथ। और आज हमारे किसान भाई बहुत आक्रोशित है और अपने आक्रोश को लेकर और अपने बहुत सारे मांगों को लेकर कलेक्टर के समक्ष वो उपस्थित हो रहे हैं। उनके बहुत सारे मांग हैं, उनसे झूठ ना बोला जाए। सरकार लगातार झूठ बोल रही है, उनको धोखा दे रही है। झूठी सरकार है, धोखेबाज सरकार है और छोटे किसान हैं उनको भी काफ़ी आर्थिक क्षति हो रही है। तो इसके विरोध में कि इस प्रकार जो अप्रमाणिक खाद को किसानों को दिया जा रहा है ये बंद हो, इसके विरोध में पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बैनर तले कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने का काम किया है। और इसी कार्यक्रम के तहत आज धमतरी जिले के किसानों के साथ भी ऐसा वर्ताव ऐसा मामला न बने, इसके लिए हम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने आए हैं।